नमस्कार दोस्तों, 2 महीने बाद यानी अप्रैल से दिल्ली एनसीआर से पूर्वी यूपी और बिहार पहुंचना आसान हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर समय से पहले गाड़ियां रफ्तार भरती दिखेंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने इसके निरीक्षण के बाद बचे हुए काम को 2 महीने के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि अप्रैल में इसका उद्घाटन खुद पीएम मोदी करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण यूपीडा करा रही है, जिसकी कुल लंबाई करीब 341 किलोमीटर है। 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से गुजरेगा, जिनमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल है। लखनऊ से शुरू होकर ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर तक जाएगा, जिसे बलिया तक जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। 341 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को बनाने में करीब 22,490 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे रहा है। आगरा से लखनऊ के बीच बनाए गए एक्सप्रेसवे की लंबाई 302 किलोमीटर है और इसका कुल बजट करीब 15,000 करोड़ रुपए था। इसकी चौड़ाई 110 मीटर है। ये एक्सप्रेसवे भी 6 लेन का है, जिसे 8 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे पर तकरीबन 3 किलोमीटर का रोड रनवे यानी एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है, जहां आपातकालीन स्थिति में लड़ाकू विमान उतर सकते हैं। ये एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके निर्माण के लिए 3500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। वहीं योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 4500 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया, जिसके लिए करीब 7400 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए, जबकि आगरा एक्सप्रेसवे में मुआवजे के तौर पर करीब 2900 करोड़ रुपए दिए गए थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हो सकती है, जिसके लिए इस पर लगभग 5 किलोमीटर लंबा रोड रनवे तैयार किया गया है। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसकी लंबाई 165 किलोमीटर है और उस पर तकरीबन 12,500 करोड़ रुपए का खर्च आया था। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने के बाद दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए यूपी बिहार बॉर्डर 10 घंटे से भी कम समय में पहुंचा जा सकेगा और फिर बक्सर पटना 4 लेन के कम्प्लीट होने के बाद देश की राजधानी से बिहार की राजधानी करीब 12 घंटे में पहुँचना मुमकिन हो जाएगा।